हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव लाइव विथ वंदना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही यूनिक सा डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ। और इस तरह के डीआईवाई आपको ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलेंगे, तो इसे आज हम बहुत ही कम बजट में बनाकर रेडी करेंगे। तो इसे बनाने के लिए आज मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। तो हम पहले आइसक्रीम स्टिक को कुछ इस तरह के बर्फ़ी के शेप में स्टिक कर लेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में कभी भी कोई फेस्टिवल ख़त्म नहीं होते, एक के बाद एक फेस्टिवल लाइन में लगे ही होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में लोहड़ी, मकर संक्रांति आने वाली है और हम सभी चाहते हैं कि फेस्टिवल्स में हमारा घर एकदम अलग लगे। तो आज हम जो DIY बना रहे हैं ये बहुत ही क्विक सा DIY है और ये बहुत ही कम बजट में बनकर रेडी हो जाएगा और देखने में इसका लुक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आइसक्रीम स्टिक को पेंट कर ले रही हूँ और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन को रख सकते हैं। तो इसके ड्राई होने के बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए इस तरह की कलरफुल डोरी ले ली है। इस तरह की डोरी आपको कई सारे कलर्स में आसानी से मिल जाएंगे और इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए आप इसे आसानी से घर पर रिक्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम इस डोरी को इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक कर लेंगे और इसके एंड्स में हम इसके ऊपर मिरर को स्टिक कर लेंगे, जिससे कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। मैंने इसके एंड्स में डायमंड शेप के मिरर को स्टिक किया है। आप चाहें तो किसी भी शेप और साइज़ के मिरर को स्टिक कर सकते हैं, या फिर मिरर ना हो तो आप यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस को भी स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी डोरी को स्टिक कर लिया है और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मेरे पास ये इस तरह की फ्लावर वाली लेस थी, तो इसके एक फ्लावर्स को मैं निकाल लूँगी और इसके सेंटर में मैं इसे स्टिक कर लूँगी। आपके पास अगर इस तरह के फ्लावर वाले लेस ना हो तो आप यहाँ पर कोई भी बड़े साइज़ का मिरर स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 4 रेडी कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर मोती और पोमपम की हेल्प से इसको एक के नीचे एक हैंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट कलर का यूज़ करके इसे बनाया है। आप चाहें तो इसे सेम कलर से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मोती और पोमपम का यूज़ करते हुए एक लटकन रेडी कर लूँगी, जिसे कि मैं इसके नीचे हैंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 इस तरह से लटकन को आपस में बांध लिया है और जिससे कि ये खूबसूरत सा लटकन रेडी हो गया है और इसे मैं इसके पीछे में स्टिक करूँगी। अब मैं इन सभी को आपस में भी मोती और पोमपम की हेल्प से स्टिक कर लूँगी, जिससे कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डिफरेंट लुक देगा। आप चाहें तो यहाँ पर रेडीमेड लटकन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इन सभी को एक के नीचे एक आपस में इस तरह से हैंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अपने चैनल पे इसी तरह के होम डेकोर DIY शेयर करती हूँ और इन सभी DIYs को मैं बहुत ही कम बजट में बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे सभी DIYs काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, जिससे कि आप इसे आसानी से रिक्रिएट कर सकें। तो आप सभी को अगर इस तरह के DIYs देखना पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 4 को एक के नीचे एक हैंग कर दिया। अब हम इसके ऊपर में एक रिंग लगाकर इसे हैंग करने के लिए रेडी कर लेंगे। मेरे पास इस तरह की एक रिंग पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप इस धागे की हेल्प से भी इसके रिंग को रेडी कर सकते हैं।
दोस्तों इस तरह के मैंने दो हैंगिंग रेडी कर लिए हैं और इस तरह के हैंगिंग को आप किसी भी फेस्टिवल्स में बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, मकर संक्रांति हो या फिर कोई और फेस्टिवल। तो कुछ इस तरह से हमारा आज का ये खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो गया और इसे हमने बहुत ही कम बजट में और बहुत ही आसानी से बनाकर रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसे और भी DIYs को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप सभी मेरे DIYs को रिक्रिएट करते हैं तो आप उसकी पिक मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह के DIY को फेस्टिवल्स पे ज़रूर क्रिएट करें और अपने घर को डेकोरेट करें। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। साथ ही वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी।